हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में सोमवार रात हुए उग्रवादियों और जवानों के बीच गोलीबारी में एक बीएसएफ जवान शहीद हो गया, वहीं दो अन्य जवान घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि हिंसा के चलते राज्य में 3 मई से इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, जिसे बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है। बता दें कि बीते एक महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। 3 मई को दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा में अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तनाव की स्थिति को देखते हुए 11 जिलों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सेवा बंद है, बीएसएफ और असम राइफल्स की मुस्तैदी है। वहीं भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई है, जबकि असम राइफल्स के 2 सैनिक घायल हुए हैं। घायल जवानों को विमान से मंत्री पुखरी ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान दिए गए निर्देशों के बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर सभी लोगों से मणिपुर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द हथियार रखने की अपील की है। सुरक्षा बलों ने चेतावनी भी दी है कि अगर हथियारों को सरेंडर नहीं किया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।